हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मोबाइल स्क्रीन एड्स को कैसे बंद करेंगे। गाइस, जब भी हम अपने फ़ोन को यूज़ करते हैं, उस टाइम में जैसे ही हम इंटरनेट ओपन करते हैं, अपनी मोबाइल के स्क्रीन पर एड्स आ जाती है। और गाइस, यहाँ पर कोई भी ब्राउजिंग करते हैं तब भी हमारे फ़ोन में जो स्क्रीन एड्स आ जाती है। अगर आप भी चाहते हो कि स्क्रीन ऐड को कैसे बंद करें, अपने मोबाइल में जो एड्स आती है उसे कैसे ब्लॉक करें, तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एड्स आती है ये दो तीन कारण की वजह से आती है, जो कि गाइस मैं स्टेप बाय स्टेप ट्रिक बताऊंगा तीनों, जिसे फॉलो करके आप कंप्लीट इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो गाइस, क्या करना होगा, अपने फोन में आपको सेटिंग को ओपन करना होगा। सेटिंग जैसे ही ओपन करेंगे उसके बाद स्क्रॉल करना है और सबसे नीचे की साइड में एक ऑप्शन शो हो रहा होगा गूगल वाला। अब जैसे ही गूगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद गाइस यहाँ पर एक ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा एड्स वाला, तो एड्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर आप देखेंगे आपकी जो एडवर्टाइजिंग आईडी रहती है वो यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। इससे हमारे फोन में एड्स रन कराई जाती है वो एडवर्टाइजिंग यहाँ पर आईडी शो हो रही है, तो आपको क्या करना होगा, इस आईडी को यहाँ से जो है डिलीट कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करके आपको डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी के ऊपर क्लिक करके इसे कंप्लीटली डिलीट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने जो है यहाँ पर एडवर्टाइजिंग आईडी नहीं रहेगी, तो एड यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, यहाँ पर एक और ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूं, मैनेज योर गूगल अकाउंट वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए और उसके बाद यहां पर डेटा एंड प्राइवेसी वाला ऑप्शन होगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद नीचे की साइड में आना है और एक ऑप्शन यहां पर आपको शो हो रहा होगा एड सेंटर। देखो यहां पर माय एड सेंटर वाला ऑप्शन शो हो रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए और इसे एड सेंटर को यहां से आपको टर्न ऑफ कर देना, ठीक है। तो यहां पर नीचे की साइड में यहां पर देखो टर्न ऑफ का ऑप्शन है, यहां से आपको इसे जो है टर्न ऑफ कर लेना, ठीक है। अब जैसे ही टर्न ऑफ करेंगे उसके बाद एड सेंटर यहां पर बंद हो जाएगा। ये दो स्टेप कंप्लीट होगी। अब यहां पर थर्ड वाली स्टेप मैं आपको बताता हूं, उसके लिए क्या करना होगा, अपने फोन में गूगल क्रोम को ओपन करना होगा। जैसे ही गूगल क्रोम ओपन करेंगे उसके बाद यहां पर क्या करना होगा, ऊपर की साइड में थ्री डॉट पे क्लिक करना होगा, यहां पर सेटिंग्स वाले ऑप्शन में जाना। जैसे यहां पर सेटिंग्स ऑप्शन में जाएंगे उसके बाद नीचे की साइड में एक ऑप्शन होगा साइट सेटिंग, यहां पर देखते हो साइट सेटिंग्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए और उसके बाद यहां पर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और नीचे की साइड में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा थर्ड पार्टी कुकीज, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा और यहां से अलाउ हुए थर्ड पार्टी कुकीज, तो इसे यहां से आपको ब्लॉक कर देना, ठीक है। इससे क्या होगा कि थर्ड पार्टी के पास आपका कुकीज नहीं जाएगा, डेटा नहीं जाएगा, जिससे वो एड रन नहीं करा पाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और ऑप्शन होगा पॉपअप एड्स एंड रीडायरेक्ट्स, ये वाला जो ऑप्शन है इसे भी यहां से आपको ऑफ कर लेना, ठीक है। पॉपअप एंड रीडायरेक्ट्स का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके इसे भी ऑफ कर लीजिए, तो कोई भी यहां पर रीडायरेक्ट्स नहीं होंगे और दूसरी जो है एड आपके ऊपर शो नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पर मैंने तीन सेटिंग बताई है, तीनों को आपको यहां पर सेटिंग कंप्लीट कर लेनी है, उसके बाद आपके फोन से जो एड्स रिमूव हो जाएगी, जो डिस्प्ले स्क्रीन एड्स आती है वो नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरह से गाइस आप अपने फोन में डिस्प्ले एड को बंद कर सकते हैं।